नमस्ते राधे राधे। मैं हिंदू हूँ, मैं स्वामीनारायण भक्त हूँ और मैं विद्यार्थी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई अभी चलते हैं सेविंग बनवाने, उसके बाद चलेंगे भाई एक मतदा। अब ऐसे एक नंबर करवा के आऊंगा, छोटी 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 छोटी, फिर जल्दी ग्रो नहीं होगी तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है यार ये। चलते गाइस, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स भाई अच्छी तरह से नहा लिए और देखो यार शेविंग अब ठीक लग रही है यार, अब ठीक लग रही है शेविंग, और छोटी छोटी ज्यादा बढ़िया लगती है यार। तो मेरे साथ है ना, अब चलते भाई एतमतौला। तो मेरे साथ जा रहा भाई ड्री, क्या उसकी ज्योग्राफी, क्या हिस्ट्री, कैसे बना, किसने बनवाया एंड ऑल, सारी हिस्ट्री देखें भाई। ठीक है, लेट्स गो। Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me, still trying to figure out the mind piece, looking for the love inside me. तो फाइनली फ्रेंड्स भाई हम आ गए भाई एतमतौला। तो रामबाग से ये भाई 2 किलोमीटर है ओनली, और हमें हमारे घर से भाई ये पड़ा 5 किलोमीटर पड़ा है घर से। बट यार यहाँ स्कूटी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है, किसी दुकान पर खड़ी करनी पड़ेगी भाई। तो फ्रेंड्स भाई यहाँ है ना, जहाँ टिकट लेते हैं उसी के अंदर ये छोटा सा म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, ओनली यहाँ थोड़ी सी पिक्स लगी हुई है। तो इन पिक्स पे लिखा हुआ है, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है एतमतौला की, जो भी हिस्ट्री है ओनली वही लिखी हुई है। फॉर इंडियंस के लिए ना 30 रुपए की टिकट है यहाँ एतमतौला में। एतमतौला की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है, ये मेन गेट है एतमतौला मेन। तो फ्रेंड्स भाई ये एतमतौला ना देखो, छोटा सा बट प्यारा सा है भाई, सीरियसली छोटा सा बट प्यारा सा है। और इसके भाई चारों साइड है ना गेट बने हुए हैं, बड़े बड़े गेट बने हुए चारों साइड। तो यहाँ से भाई हम 3 गेट तो देख सकते हैं, एक लेफ्ट राइट और एक जहाँ मैं खड़ा हूँ वो। तो भाई 3 गेट तो हम यहाँ से देख सकते हैं, चौथा इसके पीछे है। फ्रेंड्स भाई ये जो गेट है वो भाई जस्ट एतमतौला जो मकबरा है भाई इसके पीछे की साइड है, जमुना नदी के किनारे पर। तो फ्रेंड्स भाई इस गेट का यूज़ है ना शायद पहले के टाइम पर नाव से आने के लिए ज़रूर होता हुआ, क्योंकि इसको और कोई यूज़ तो लग नहीं रहा भाई, वही यूज़ होता हुआ नाव द्वारा आने के लिए। like a wave returns to the sea into the blue. ये इंसान नहीं सुधरेगा कभी भी यार, कहीं भी जाता है लोगों को उंगली करता है, इंग्लिश आती नहीं है, बस पिक इतना जानता है, वन पिक, तो वन पिक के अलावा कुछ नहीं जानता, बट भाई साहब आंग्रियों के साथ फोटो खिंचवाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, ये भाई कवर हो रखी हैं अभी के टाइम पर, ये कवर कर रखी हैं, बट पहले के टाइम पे शायद नीचे कमरे होंगे इनमें। एंड ये भी हो सकता है कि बाहर से जो लोग आते होंगे नदी द्वारा, नाव द्वारा, वो आते होंगे इन सीढ़ियों से।
अब यहाँ तो चिनाई हुई है देखिए सीमेंट से। धोलावी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो सबसे जो पास में रेलवे स्टेशन है भाई, फोर्ट रेलवे स्टेशन है, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन सबसे पास में है। फ्रेंड्स, एतमादौला का जो मकबरा है ना भाई, उसके चारों तरफ भाई बाग बने हुए हैं। तो ये बाग जो बनाए गए ना, चार बाग प्रणाली होती है, ये बागों की प्रणाली, मतलब चारों तरफ बाग होते हैं उस प्रणाली में, उसके अंतर्गत बनाया गया भाई, और बीच में इसके मकबरा बनाया गया काफ़ी सुंदर। फ्रेंड्स, ये भाई एतमादौला, ये एतमादौला की मेन बिल्डिंग है। एतमादौला को बनवाया था भाई जो नूरजहाँ थी, उसने अपने पिता की मेमोरी में बनवाया था ये। उसके पिता का नाम था भाई ग्यासुद्दीन बेग, ग्यासुद्दीन बेग की मेमोरी में बनवाया था। इसका जो निर्माण किया गया था वो 1626 से लेके 1628 ईस्वी में किया गया था। जो एतमादौला है ना, उसे मतलब बेबी ताज भी बोलते हैं, मतलब इसे बेबी ताज बोलते हैं, कभी इसे मेकअप किड, सिंगारदानी के नाम से भी यार ये प्रसिद्ध है, मतलब लोग जानते हैं इस ये नाम भी था इसका, सिंगारदानी, और मेकअप किट भी नाम था इसका। बट यह पता है जो इसकी है ना पित्रादूरा नक्काशी की गई है, जो पित्रादूरा शैली का प्रयोग हुआ है इस बिल्डिंग में पच्चीकारी बनाने में भाई, वो ताजमहल से भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे पच्चीकारी की गई है। फ्रेंड, जो आपको है ना मतलब सबसे ऊपर जो गुंबद दिख रहा है भाई, वो एशियाई शैली में बना हुआ है, मतलब है ना पूरी तरह से संगमरमर से बना है, और ये इंडिया बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह संगमरमर से बना है। जो नूरजहाँ के पिताजी थे ग्यासुद्दीन बेग, वो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे, और नूरजहाँ की शादी हुई थी जहांगीर के साथ। फ्रेंड, जो एतमादौला भाई वो है ना मुगल कालीन टाइम का सबसे छोटा मकबरा है, मतलब इसीलिए लोग है ना इसे बेबी ताज भी बोलते हैं, और एतमादौला इंडिया में बनी पहली इमारत है जो वाइट संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से पूरी तरह से बनाई गई है। पहले नमस्ते, नमस्ते लीजिए। नमस्ते, राधे राधे। श्री राधे। यार ना अभी है ना हमको यहाँ मिले एतमादौला में, मतलब हम कंफ्यूज थे, मतलब उन्हें मतलब भैया ने बताया इंडियन है और स्वामीनारायण, और ऊपर से पता लंदन से है, मतलब इसीलिए तो हम कंफ्यूज थे यार। मैं हिंदू हूँ, मैं स्वामीनारायण भक्त हूँ, और मैं विद्यार्थी हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे हिंदी थोड़ा उर्दू आती है, उर्दू भी आती है, हाँ हाँ, अरबी और फारसी, फारसी भी आती है। मैं उर्दू और फारसी पढ़ता हूँ, और हिंदी ऑफ कोर्स, हिंदी थोड़ा संस्कृत, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। स्वामी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, उर्दू, उर्दू और फारसी। अब भैया को पता है सारी मतलब लैंग्वेज जो मोस्टली इंडिया में अवेलेबल है वही सारी लैंग्वेज आती है। मतलब अभी पता हमें ना एक इंग्लैंड के निवासी मिले थे यार, उनका नाम था थॉमस, वो बोल रहे थे मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। सुन के यार अच्छा लगा, बाकी सब तो यार जॉब के लिए पढ़ते हैं भाई, इंग्लैंड से है, दिल्ली में रह रहे हैं, आगरा घूमने आए हैं, और वो स्वामी नारायण के मेंबर हैं, मतलब हिंदी बोल रहे थे, दिखा दो, मतलब अच्छी वाली हिंदी बोल रहे थे यार। ओके गाइस, देन लेट्स गो, अब हम जा रहे हैं भाई। तो फ्रेंड्स, पता हमने ना भाई यहाँ जूते उतारे, तो जूते है ना अब अंदर जाने के लिए ना यहाँ जूते उतारने पड़ते हैं, तो जूते यहाँ रखे रहेंगे, अब हम लोग जाएंगे भाई अंदर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो रूम है भाई, इसमें है ना
जो नूरजहाँ थी उसके पिता ग्यास बेग और उनकी बेगम असमत बेगम, उन दोनों की कब्र है ये। फ्रेंड्स भाई, जो नूरजहाँ थी ना, तो उसका पहला पति था शेर अफगान, तो उसकी जो बेटी हुई थी लाडली बेगम, उसकी कब्र है ये। ऐसे भाई जो मकबरा है उसके चारों तरफ एक एक रूम बना हुआ, उन चारों रूम में ना परिवार के एक एक सदस्य की कब्र बनाई गई है। The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful. भाई देखो, मतलब ये बिल्डिंग है भाई आगरा में, कुत्ते मतलब ऐतमाद दौला भाई, कुत्ते भी घूमते हैं देखना। Just like another season, not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. देखो मैं ना जूतों में परेशान हो गया, मैंने ड्री की चप्पलें पहन ली। तो फ्रेंड्स भाई, फाइनली ये था भाई एतमादौला। अच्छा है, जमुना जी के किनारे है और सीन भी बढ़िया है भाई यहाँ के, बट धूप में परेशानी होगी। आओ ना, तो हम जैसे आए ना शाम को आए थे, हम लोग 4 बजे आए थे शाम को, तो यही टाइम मतलब बेस्ट था। अब धूप नहीं थी, मतलब बढ़िया लग रहा था, पाँव नहीं जल रहे थे यार, तो ये चीज़ बढ़िया थी। ऊपर से पता है इंडिया बनी एकमात्र, मतलब ये एकमात्र ऐसी पूरी इमारत है पहली जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स भाई, फाइनली ये था भाई एतमादौला, मतलब ये एंट्री है दौला की खूबसूरती, मतलब ये पता है एतमादौला की खूबसूरती है। मैं एतमादौला भी आज है ना, मोबाइल की बैटरी धोखा दे गई, आते टाइम भाई बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की। तो फ्रेंड्स भाई, एतमादौला भाई देखने लायक है और अच्छी जगह, तो यू ऑल कैन विजिट देयर, अच्छी जगह, आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी जरूर। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, बट अगर पसंद आया ना भाई, तो सीरियसली यार लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, एंड सब्सक्राइब कर भी देना और करवा भी देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।